Hello, welcome to Arjun Academy, and we are going to discuss today physics. This is chapter number 4, and in this chapter we are going to discuss about motion in a plane. सबसे पहले ये समझते हैं कि प्लेन क्या होता है. प्लेन जैसे आप एक कागज देखते हैं वो एक प्लेन है. आप एक जिस फर्श पे बैठे हैं वो एक प्लेन है. जिस दीवार की तरफ आप देख रहे हैं वो भी एक प्लेन है. तो प्लेन में क्या है कि जैसे फर्श की हमने बात की तो फर्श में क्या है, लेंथ और ब्रेथ है. जो वॉल आप देख रहे हैं उस पे क्या है, उस पे भी लेंथ और ब्रेथ है. यानी ब्रेथ और हाइट आप कह सकते हैं या लेंथ और हाइट कह सकते हैं. तो कुछ भी दो ही है, मतलब या तो लेंथ और हाइट है या ब्रेथ और हाइट है, या अगर सरफेस जिस पे आप बैठे हैं उसमें लेंथ और ब्रेथ है, या छत जिसके नीचे आप बैठे हैं उसमें क्या है, उसमें भी लेंथ और ब्रेथ, यानी दो ही है. तो ये एक प्लेन है, कागज का एक पेपर जिस पे आप लिख रहे हैं ये भी, इसमें भी क्या है, लेंथ और ब्रेथ है. यानी दो वेरिएबल है, चाहे वो लेंथ और ब्रेथ हो, चाहे ब्रेथ और हाइट हो, चाहे लेंथ और हाइट हो, मतलब दो ही वेरिएबल है जिसके जरिए वो पूरा का पूरा प्लेन डिस्क्राइब किया गया है. तो प्लेन जो है उसमें दो वेरिएबल होता है. इसका मतलब है कि किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो वेरिएबल की जरूरत होगी, और इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कार्टेशियन सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है. और कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स के अलोंग डिस्टेंस, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, राइट. तो प्लेन का मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस होगा और वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस होगा. इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब कंसिडर करते हैं तो इसमें एक और पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन, जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. तो ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो होगा एक्स और वाई के टर्म्स में, और उसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. एंड अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, है ना. ये बात हमने मैथमेटिकल टूल में बता दी है. अगर आपने मैथमेटिकल टूल नहीं देखा है तो पहले आप उस क्लास को अटेंड करें और मैथमेटिकल टूल की वीडियो देखें, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि बिना वेक्टर के ये चीज, ये चैप्टर समझ में नहीं आएगी. तो वेक्टर जरूरी है, और वेक्टर की पूरी विस्तृत चर्चा, विस्तृत डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन हमने किया हुआ है मैथमेटिकल टूल में, इसलिए उसको दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं. तो हम अब यहाँ से शुरू करते हैं कि मोशन इन ए प्लेन क्या है. मोशन इन ए प्लेन, सो सबसे पहला जो चीज है इसमें ये है मोशन इन ए प्लेन. कि मोशन इन प्लेन इसमें कि प्लेन क्या है, तो प्लेन एक सरफेस है जिसमें दो डायमेंशन होती है. ये एक सरफेस है, इसमें आप ये समझ लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो ये एक प्लेन होगा. अब इस प्लेन में कोई पॉइंट होगा तो उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग उसके एक्स कोऑर्डिनेट होंगे और वाई एक्सिस के अलोंग वाई कोऑर्डिनेट होंगे. तो ये एक्स वाई अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो उसकी ये डिस्टेंस जो होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगी और ये डिस्टेंस जो होगी वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, है ना. तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होंगे इसमें, यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो ये वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस जो होता है वो उसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं. तो ये पॉइंट है और इसका ये कोऑर्डिनेट है, है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई है और ये एक्स है. तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की हम बात करें अगर, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस है वाई कोऑर्डिनेट होगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये है वाई और ये है एक्स, एक्स एक्सिस पे, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स है. तो यहां से यहां तक की एक्स डिस्टेंस है. अगर ये ओ मान लें, ए मान लें, ये बी मान लें, तो ओ बी एक पॉइंट हो गया, बी पॉइंट है, पी पॉइंट है, ऑलरेडी पी हमने ले रखा है, कोई जरूरत नहीं है इसको दोबारा बी मानने की, ठीक है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पी ले रखा. तो
तो ये पॉइंट है हमारा, और इस पॉइंट को हमने लिया है एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस। लेकिन ओरिजिन के अलोंग अगर डिस्टेंस लेना हो इस पॉइंट का तो क्या होगा? तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसको हम ऐसे कहेंगे कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसका, और ये है आर, आर वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आई, आपने पढ़ा होगा। वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर होता है जे, ये भी पढ़ा होगा। और जेड एक्सिस के अलोंग होता है के, लेकिन हमें यहाँ जेड एक्सिस की जरूरत है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर इसमें ये वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दैट वुड बी लाइक स्केलर मल्टीपल। तो ये पूरा ओए जो होगा अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा एक्स आई, ओ बी यहाँ पे अगर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा वाई जे, ओ बी हो जाएगा वाई जे, ओ बी वाई जे। ओ बी का मतलब जितना ओ बी होगा उतना ही एपी होगा, तो दैट इज एपी भी क्या होगा वाई जे। ओ बी और एपी मैग्नीट्यूड में भी बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर हम वेक्टर एडिशन से लिखें, जो आपने पहले पढ़ा होगा कि वेक्टर एडिशन कैसे होता है, हेटल सिस्टम में होता है, मतलब ओ ए प्लस एपी इज इक्वल टू ओ पी। सो वेक्टर बाई वेक्टर एडिशन वी कैन से क्या कह सकते हैं कि ओ पी इज इक्वल टू, वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू ओ ए प्लस क्या एपी। और ये इसका मतलब हुआ कि वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर पी है तो एक्स आई कोऑर्डिनेट है तो हम उसमें एक्स आई प्लस वाई जे लिख देंगे। हेयर आर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ, हेयर आर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। और ये कहाँ होता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। ठीक है ना, तो ये शब्द हो गया हमारा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये समझते हैं। तो ये हो गया कि ये कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम ओरिजिन, आउटवर्ड फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ये ओरिजिन से हमेशा बाहर की ओर डायरेक्शन इसका होता है। तो हम किसी पॉइंट को, अगर प्लेन की बात, प्लेन आपने समझ लिया, प्लेन क्या है, प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा तो वो उसकी पोजीशन वेक्टर लिखी जा सकती है। ये पोजीशन वेक्टर जो है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताता है। अभी पॉइंट है और पॉइंट वहां से अगर चल के कहीं और चला जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट होगी, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी, वहां से चल के अगर कहीं और चला जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आइए डिस्प्लेसमेंट के बारे में पहले सीखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और फिर आगे बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक पार्टिकल मान लेते हैं कि हम ले लिए इसी कार्टेशियन प्लेन में, और जिसका ये कोऑर्डिनेट हो गया कितना, एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक पॉइंट है जिसका हमने पोजिशन कोऑर्डिनेट ले लिया एक्स कॉमा वाई, ये है एक्स कॉमा वाई, कोई भी पॉइंट है इसका पोजिशन वेक्टर ये हो गया एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये पॉइंट पी है, और यहां से एक ये पॉइंट अगर चल के और ये क्यू तक चला जाता है, ये क्यू तक चला जाता है, तो ये हो गया क्यू पॉइंट। इसका पोजीशन वेक्टर थोड़ा सा बदल गया है, तो थोड़ा थोड़ा एक्स में चेंज हो गया, इसलिए इसको एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई मान सकते हैं। ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी एक्स में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो गई, चेंज हो गई है, दरअसल इंक्रीमेंट हुई या चेंज हुई, किसी भी प्रकार का चेंज कह सकते हैं, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई हो गया। इसमें क्या हुआ कि अब ये जो दोनों ही पोजीशन वेक्टर लिखे जाएंगे वो ओरिजिन से आउटवर्ड लिखे जाएंगे। पार्टिकल यहां से चल के यहां तक पहुंचा है जी, ठीक है, पी से क्यू तक गया है, दोनों के पोजीशन वेक्टर क्या है, आउटवर्ड है, यहां से यहां तक है ये भी और ये भी।
तो इसका मतलब यह है कि वेक्टर एडिशन काम तभी करेगा जब हम OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ करें, है ना। तो ये करेगा ऐसे काम कि यहां से इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखे तो ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट हुई है, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट P से Q तक ये हुई है, यही हुई है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हुई है इसको अब हम कहेंगे, अगर इसके पोजिशन वेक्टर को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दे, इसके पोजिशन वेक्टर को आर प्लस डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है, क्योंकि छोटा सा इंक्रीमेंट हुई है, या आर डैश भी कह सकते हैं। तो ये आर प्लस डेल्टा आर थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुई है तो हमने डेल्टा आर कह दिया इस पोजिशन वेक्टर को, कोऑर्डिनेट ये है। तो यहां पर ओपी क्या होगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ ओपी क्या होगा, ओपी अभी पोजिशन वेक्टर हम लिखे तो वही लिखना होगा हमें, एक्स आई प्लस वाई जे, और ये इसका मतलब है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है ना, आप ये कह सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी वो बाद में कर लेंगे, पहले ओ क्यू को लिख लेते हैं। ओ क्यू क्या है, यहाँ पे ओ क्यू है क्या, एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स आई और वाई प्लस डेल्टा जे जे, वाई प्लस डेल्टा वाई जे, ये हो गए। तो अब अगर वेक्टर एडिशन से बात करें तो क्या होगा, ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओपी प्लस पी क्यू, बोलिए ओपी प्लस पी क्यू। अब पी क्यू अगर हमें निकालना है तो हम क्या कहेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओपी, यानी ओ क्यू क्या है, ओ क्यू है ये आर प्लस डेल्टा आर, है ना, और ये है आर प्लस डेल्टा आर और ये है माइनस आर, दैट इज ये क्या हो गया, डेल्टा आर, डेल्टा आर। तो ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम कहेंगे डेल्टा आर, ठीक है। फिर पी क्यू हमें निकालना है तो डेल्टा आर किसके बराबर होगा, तो ओ क्यू माइनस ओ पी, ऑल्सो पी क्यू, यानी पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये हो गया ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी, है ना। ओ क्यू क्या है, ओ क्यू है हमारा एक्स प्लस डेल्टा एक्स आई और वाई प्लस डेल्टा वाई जे, और इसमें से ओ पी क्या घटाना है, एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। व्हाट विल हैपन देन, इसका मतलब है कि इस पी क्यू के बदले हम डेल्टा आर लिख सकते हैं, डेल्टा आर के बराबर है, और दूसरी तरफ ये एक्स में से एक्स निकल गया तो क्या मिलेगा, एक्स आई माइनस एक्स आई, तो सिर्फ डेल्टा एक्स आई बचेगा और यहां से बचेगा प्लस डेल्टा वाई जे, डेल्टा वाई जे। तो ये पोजीशन वेक्टर भी वही है कि पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इस पार्टिकल को हम कहेंगे क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, कहां से कहां तक, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पी टू क्यू। सो डेल्टा आर इज कॉल्ड हेयर, डेल्टा आर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पी टू क्यू, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पी टू क्यू, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये हुआ डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमें मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट कहीं भी अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो वेक्टर के फॉर्म में एक कोई प्लेन होगा, तो उस एक्स वाई प्लेन में है तो आई जे होगा, वाई जेड प्लेन में होगा तो जे और के टर्म्स में होगा, एक्स जेड प्लेन में होगा तो एक्स आई और के टर्म्स में होगा। तो जैसा भी प्लेन होगा उसके हिसाब से ये होगा, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसके कोऑर्डिनेट आई और जे के टर्म्स में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किए जा सकते हैं, कोऑर्डिनेट को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आई और जे में किया जा सकता है। तो ये हुआ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट में है क्या, डेल्टा एक्स क्या है, यहां पे डेल्टा एक्स क्या है बताइए, वेयर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स है, यही तो है। तो ये आपको पता चल रहा है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है और ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये आपको पता चल गया कि डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन पोजीशन,
चेंज इन पोजीशन, और डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस, वेयर डेल्टा एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, वेयर डेल्टा एक्स कैन बी डिस्क्राइब एज चेंज इन पोजीशन, पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, एंड डेल्टा वाई इज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। यानी अगर कोई पार्टिकल किसी प्लेन में मूव करेगा तो उसके दोनों ही कोऑर्डिनेट में चेंजेस होंगे अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना। अगर वो सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेगा तो उसके डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं होगा। अगर वो वाई एक्सिस के अलोंग सिर्फ मूव करेगा तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो मोशन इन वन डायमेंशन हो गया, क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल की जरूरत होती है, एक कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज होगा, वाई एक्सिस के अलोंग कोई चेंज नहीं होगा। तो सिर्फ अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है तो मोशन इन वन डायमेंशन होगा, किसमें, किस डायरेक्शन में चल रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा है। सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस होगा, वो भी मोशन इन वन डायमेंशन ही कहा जाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहा जाएगा, और उसको भी हम कह सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, दिस हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस। नाउ मोशन इन ए प्लेन का मतलब ये हुआ कि दोनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट में भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट में भी चेंज हो रहा है ना। तो ये बातें हो गई मोशन इन प्लेन का, कि यहाँ पे दोनों ही कोऑर्डिनेट लगातार चेंज होंगे। अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई तो वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, तो वेलोसिटी में क्या होगा जरा समझिए। वेलोसिटी किसी पार्टिकल का डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या कहते हैं वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी के लिए आप कहते हैं कि वेलोसिटी, ये देखिए वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, the rate of change of displacement, the rate of change of displacement, rate of change of displacement is called velocity, displacement is called velocity, है ना। rate of change of displacement is called velocity, यानी change in displacement, है ना, जो displacement है वो क्या है, change in positions होती है, तो is called velocity, ठीक है। सो इसका मतलब हुआ, और टाइम लग गया उसमें कितना, टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी डेल्टा वी, अगर वी की बात करें हम, तो वी क्या होगा, वी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा आर अपॉन टाइम दैट इज डेल्टा टी। तो ये हुआ एक वेक्टर और ये भी एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज बेसिकली होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये होता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन आर को क्या लिख सकते हैं, आर को हम लिख सकते हैं क्या, अभी डेल्टा आर को लिख सकते हैं ऊपर में एक्स आई प्लस वाई जे और नीचे है डेल्टा टी। इसका मतलब हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं क्या, कि डेल्टा एक्स आई, ये डेल्टा एक्स आई और डेल्टा वाई जे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और ये वाई एक्सिस के अलोंग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो दैट कैन बी रिटन एज वी इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आई प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जे। ये है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो दिस वन इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी को भी हम टू डायमेंशन में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेलोसिटी को भी हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट को कर सकते हैं,
वैसे ही वेलोसिटी को भी कर सकते हैं, है ना। यानी इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे, इसका मतलब, कंपोनेंट का मतलब ये है कि अगर हम इसे उस तरह से ही कि करें वेलोसिटी को, कि यहां से ये ध्यान से देखें कि अगर हम कहें कि ये वेलोसिटी है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये अलोंग एक्स एक्सिस है, एक अलोंग वाई एक्सिस है, और इसके दो कंपोनेंट होंगे। अगर वेलोसिटी इस तरह की है, ध्यान से देखें, ये वेलोसिटी है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये वेलोसिटी भी है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन, तो अलोंग एक्स एक्सिस एक होगा और एक अलोंग वाई एक्सिस होगा, ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये हो गया एक कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड वी एक्स एंड दैट इज कॉल्ड वी वाई, ठीक है ना। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, तो वी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा, अगर मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, वी का ये ओ ए बी मान लेते हैं, तो ओ ए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। व्हाट इज दैट, दैट इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। दिस वे क्या, ये क्या देगा, ये देगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन निकालना हो तो ये देखो, ये अगर इसके साथ थीटा एंगल बनाता है तो क्या बनाएंगे, वेलोसिटी थीटा एंगल अगर बना रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू, चाहे फाई लिख दो, चलो थीटा ही रहने देते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये वी वाई ओ ए बी अपॉन क्या होगा, ओ बी, दैट इज क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स, और थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, टैन इनवर्स, टैन उधर जाके टैन इनवर्स हो जाता है वी वाई अपॉन वी एक्स। ये आपको अभी नहीं पता होगा इनवर्स, लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखो, ये भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, है ना, कि टैन थीटा डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो टैन थीटा और जो कुछ भी इधर है, अगर आपको एंगल का वैल्यू पता नहीं है, जैसे मान लो कि ये कट के आ गया 1/√3, तो 1/√3 आ गया तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, सिंपल सी बात है, √3 आ गया तो 60 डिग्री हो गया, और अगर आप 1 आ गया तो 45 डिग्री हो गया, लेकिन अगर मान लो 3/2 आ गया तो आपको तो मालूम नहीं है कि 3/2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/2, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सिंपली लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो ये देगा डायरेक्शन, एंड थीटा गिव्स द डायरेक्शन, ये थीटा क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ, दैट गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है, ये मैग्नीट्यूड देता है, ये डायरेक्शन देता है, तो ये दो बातें हो गई कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब ये जो भी हमने लिखा है इसको थोड़ा लिमिटिंग करें कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी डायरेक्शन के लिए, तो आप और जान सकते हैं कि ये हमने लिखा है जो कि v इज इक्वल टू क्या लिखा है, v इज इक्वल टू हमने लिखा है v इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ठीक है। अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो जो पोजीशन थी p और q की वो दोनों क्या हो जाएंगी, लगभग कोइंसाइड करेंगी, बताइए। ये जो पोजीशन हमने लिखा था पी और क्यू की, अगर ये डेल्टा आर टाइम बहुत जीरो हो तो ये डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटी होगी, है ना, दोनों ही टाइम यहां से यहां तक आने में डेल्टा टी लगा है, अगर ये डेल्टा टी जीरो हो जाए तो ये पोजीशन भी बहुत छोटी होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी का ये डायरेक्शन देगा, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर होगा ये अलोंग डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी जो होगा वो अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा हमेशा ही, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो कैसे निकलेगा, लिमिटिंग वैल्यू से, क्योंकि डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये डिफरेंशिएशन है, ये भी मैथमेटिकल टूल में आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं आपने पढ़ा है तो आप इसको दोबारा पढ़ ले, इसको अगर इस तरह के टर्म होते हैं तो हम उसको लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ आर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टाइम। तो ये dr by dt भी बेसिकली रेट ऑफ चेंज देता है,
डी बाई डी टी वी रेट ऑफ चेंज देता है, और यहां किसका चेंज दे रहा है, आर का। तो ये हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको याद रखना है कि वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, यानी इसको अगर हम किसी डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की होगी। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ये बात। और ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उम्मीद है आप ये कोई ये बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, ठीक है, कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर ये हमने वेलोसिटी को ऐसे निकाल लिया तो एक्सेलरेशन को क्या कह सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है आप बताएं, एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन जो होता है वो भी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर भी वैसे ही कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है, किसी टाइम में वेलोसिटी v1 था, किसी टाइम में वेलोसिटी v2 था, तो v1 और डेल्टा भी चेंज होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी का जो डिस्प्लेस हमने यहाँ पे किया था कि वेलोसिटी जो है वो भी क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं vx और vy, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अगर छोटी सी चेंज की बात की जाए यहाँ पे, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स डेल्टा वी वाई, जैसे वहां पे चेंज हो रहे थे वैसे ही। तो सिंस ये जो है एक्सेलरेशन वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी में वेलोसिटी किसके किसके अलोंग चेंज होगा, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एक्स आई एंड डेल्टा वी वाई जे, ये होगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे। ये भी हुआ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, सो दैट विल बी डिस्क्राइब एज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एंड दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, है ना। तो ये भी कह सकते हैं कि ये कहलाएगा क्या, दिस विल बी एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये आई जे, यानी एक्सेलरेशन कैन बी ऑल्सो डिस्क्राइब इन मोशन इन टू डायमेंशन, इन मोशन इन अ प्लेन, इन मोशन इन प्लेन को मोशन इन टू डायमेंशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कैसे, तो टू आई और जे के टर्म्स में, ये एक दो प्लेन है, तो इस प्लेन एक प्लेन है, उस प्लेन में इसको भी आई और जे के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये एक्सेलरेशन भी उसी तरह से होगा, चेंज इन एक्सेलरेशन अगर कहीं लिखना हुआ हमें तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, चेंज इन एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं कहीं पर भी। अगर चेंज इन वेलोसिटी हमें लिखना था तो हमने लिख दिया था डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी वाई जे। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिखना था तो डेल्टा आर इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। उसी तरह से यहाँ चेंज इन वेलोसिटी अगर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं जैसे आर के लिए किया है, आपको समझना है सिर्फ, बाकी तो कुछ करना नहीं है। तो ये लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वी एक्स आई एंड डेल्टा वी वाई जे, डेल्टा वी वाई जे।
डेल्टा वी वाई जे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं पर भी अगर एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं तो उसको भी टू वेरिएबल में लिखना पड़ेगा। अब सवाल है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगा। व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी, जैसे कि हमने कहा कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके भी क्या होंगे, दो डायरेक्शंस होंगे। अब मान लीजिए कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पहले ये वेलोसिटी था यहाँ पर v, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया v प्लस डेल्टा v, है ना। तो ये दो हो गया v प्लस डेल्टा v, ये हो गया। यहाँ पर था ये वेलोसिटी v और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, v प्लस डेल्टा v, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर कार्टेशियन सिस्टम की बात करें, जैसे पहले हमने उसमें किया था डिस्प्लेसमेंट के लिए किया था, तो वैसा ही अगर हम करें तो ये क्या लिख सकते हैं, ये हम चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। और यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, यहां से यहां ऐसे, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा भी तो यही होगा, तो डेल्टा भी जब ये होगा तो हम इसकी डायरेक्शन भी जो एक्सलेशन की होगी वो इसकी डायरेक्शन में होगी। ये नहीं कह सकते कि चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सलेशन का डायरेक्शन होगा, दैट विल बी बेसिकली डेल्टा वी, ये डेल्टा वी होगा, है ना। तो ये वी प्लस डेल्टा वी ये है, यहाँ पर वेलोसिटी वी है, यहाँ पर वेलोसिटी ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, यहाँ पर वेलोसिटी वी प्लस डेल्टा वी है। तो चेंज इन वेलोसिटी, चूंकि ये भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी जो हुआ वो हुआ ये। तो एक्सलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी यहां पर जो एक्सलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा इसके अलोंग होगी। ये जो एक्सलरेशन होगा उसकी जो होगा वो इसके पैरेलल होगा, तो एक्सलरेशन की डायरेक्शन ऐसी होगी, यानी डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये होगा। ठीक है, अच्छा, तो हमने ये समझा कि वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को डेल्टा ए, एक्सलेशन को हम लिख सकते हैं ये क्या, ये डेल्टा ए या ए को हम लिख सकते हैं क्या, एक्सलेशन को लिख सकते हैं हम, एक्सलेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए तभी एग्जैक्ट, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो वेलोसिटी यहां से यहां तक वेरिएबल है और उसकी डायरेक्शंस भी अलग अलग होंगी, वेलोसिटी तो वेरिएबल होती है, तो यहाँ पर अलग अलग एक्सप्रेशन हो जाएंगे। इसलिए टाइम इंटरवल को बहुत छोटा करना है, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी का ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी का क्या ऑब्जर्वेशन है उस पे, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, और अलग अलग हो सकती है तो मैग्नीट्यूड से भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन से भी चेंज हो सकती है। जैसे कोई कर्व पे, कर्व के अलोंग ऐसे पार्टिकल चल रहा हो, तो वैसे स्थिति में उसका डायरेक्शन जो होगा वो अलग होगा, है ना। तो इसलिए टी को हमें लिमिटिंग करना होगा, छोटा करना होगा बहुत, तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो। डिफरेंशिएशन के तरीके से आप कह सकते हैं इसको कि ये ए है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसको डी वी बाई डी टी कह सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज, आगे याद रखें, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि ये एक्सेलरेशन जो है वो होता है डी वी बाई डी टी। अब इसको थोड़ा और विस्तृत करें और कंप्रिहेंसिव लिखें तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं। अब और देखें, अगर इसको कंप्रिहेंसिव करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या, डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं बताइए, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, है ना। और ये डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स डेल्टा वी एक्स, बोलो ऊपर लिखा था, ध्यान से देखो ऊपर में,
क्या लिखा था? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये हुआ। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और ये डेल्टा वी को क्या लिखा था, डेल्टा वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी वाई जे और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो दैट फर्दर कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी एक्स आई अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे। तो इसको हम लिख सकते हैं पूरा कि ये भी लिमिट है, लिमिट दोनों में लग रहा है, इसको अलग अलग भी लिमिट को लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको दोबारा लिख देता हूँ, इसको लिख सकते हैं, ये लिमिट दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों में लिख सकते हैं। तो ये हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे। एंड ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो गया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव दैट कैन बी डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ क्या, वी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स अलोंग वाई एक्सिस। सो ये भी हो गया वी वाई जे, यानी एक्सेलरेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो आप इसको अलग अलग क्या लिख सकते हैं, इसी को वही बात फिर दोबारा आ सकती है कि ए इज इक्वल टू, ये हो गया एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये हो गया एक्सलेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो बेसिकली आप डिफरेंशिएशन के टर्म्स जो है वो भी दोनों जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएट करने से क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सलेशन मिल जाता है और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिल जाता है। तो डिफरेंशिएशन का एक टर्म्स है, ये भी डिफरेंशिएशन हम पढ़ा चुके हैं मैथमेटिकल टूल में, आप उसको एक बार जरूर रिवाइज कर लें और रिवाइज करने के बाद ही कोई क्वेश्चन ट्राई करें, ऐसा मेरा आग्रह, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक बात और बताना चाहेंगे कि वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए कि एक्सलरेशन क्या है, डबल डेरिवेटिव का कंसेप्ट दे रहे हैं, एक्सलरेशन है डी वी वाई डी टी और वी क्या है जी, वी है क्या डी आर बाई डी टी, वी है डी आर बाई डी टी। तो इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, इसको लिख सकते हैं ऐसे ए इज इक्वल टू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको एक्सेलरेशन को ऐसे भी इसको कहते हैं डबल डेरिवेटिव। यानी अगर आपको कहीं पर दिया हो क्या दिया हो डिस्प्लेसमेंट और उससे एक्सेलरेशन निकालना हो तो आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ, क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल पार्टिकल इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू 2.2 टी आई प्लस 4 टी स्क्वायर जे प्लस 7 ऐसा लिखा, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम का फैक्टर होता है ना, टाइम का फंक्शन होता है, ये लिखा है। अब निकालना है आपको फाइंड, फाइंड क्या क्या निकालना है, वेलोसिटी, वेलोसिटी सीधा सीधा लिख देता हूं, कोई बात नहीं, ये देखो फाइंड वेलोसिटी एक्सलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है, ये हमें निकालना है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड ऑल्सो, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा और डायरेक्शन भी निकालना होगा। सो व्हाट विल हैपन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, फाइंड ऑल्सो ऑल्सो मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये लिखा है मान लीजिए। तो हम क्या करें, सबसे पहले हमें ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट जब दिया होता है तो उसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, उसको डिफरेंशिएट करने से मिलता है हमें वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी है ना, और डी बाई डी टी ऑफ आर की जगह पर क्या दिया हुआ है, आर की जगह पर दिया हुआ है 2TI + 4T² J +7K है ना, ये लिखा है। तो इसका मतलब है कि ये टी का फंक्शन है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। सो दैट कैन बी रिटन एज फर्दर डी बाई डी टी ऑफ क्या 2TI प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4T² J प्लस डी बाई डी टी ऑफ 7K है ना। यहां पर टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाता है और डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा आई, प्लस यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ T² है ना J, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट है सिर्फ, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, 0K यानी 0, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्स्टेंट क्या होता है 0, आपको पता है ये फॉर्मूला। और यहाँ पर ये हो गया 2i प्लस यहाँ पे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t है ना, तो ये 2t j और ये 0। सो व्हाट विल हैपन, ये फाइनली आ गया 2i + 8t j ये आ गया। अब ये हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस आई के टर्म्स में ऐसा आ गया। वी नो आल्सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी, बोलिए। तो ये हो गया डी बाय डीटी ऑफ 2i + 8t j ये हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं डी बाय डीटी ऑफ 2i + d/dt of 8t j बोलिए। तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि ये 2 इसमें भी बाहर आ गया, 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, डी बाई डी टी ऑफ ये है डी बाई डी टी ऑफ आई तो वेक्टर है, यहाँ 8 बाहर आ गया डी बाई डी टी ऑफ डी टी बाई डी टी ऑफ जे, तो ये तो 0 हो गया, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है क्योंकि डी टी बाई डी टी 1 हो गया 8 जे, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जे सिर्फ दिखा रही है यानी अलोंग वाई एक्सिस है, तो ये हो गया 8 जे। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर निकालना हुआ तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हो गया 8 m/s² एक्सेलरेशन इज हैज मैग्नीट्यूड 8 m/s² यूनिट होती है अलोंग वाई एक्सिस, डायरेक्शन है अलोंग जे, तो y एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी मैग्नीट्यूड होगी 8 m/s². नाउ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस का स्क्वायर, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी है देखिए क्या है, 2y x एक्सिस के अलोंग है और 8t जो है वो y एक्सिस के अलोंग है ना, तो ये हम लिखेंगे क्या होगा, वेलोसिटी टाइम का फैक्टर होगा है ना, तो टाइम का फैक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ टाइम तो वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड क्या क्या है 3 और 4, ध्यान से देखिए यहाँ पे है 2i और 8j, तो 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सो दैट विल बी कितना होगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 + 4 = 68, यानी 2√17 m/s, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन कैसे निकालते थे वेलोसिटी का, टैन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या निकालते थे वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी 8/2 = 4, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टैन इनवर्स 4 इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये डायरेक्शन देगा क्योंकि वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से कैसे इसको करना है, क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है,
एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सलेशन मिलता है। डिफरेंशिएशन करने का क्या तरीका होता है, फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स का पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले के आधार पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप ये फॉर्मूले, जैसे टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू और टी का पावर टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा टू टी, है ना। इसलिए हमने किया है डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज टू टी। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, इसी में रखा तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी हो गया। तो इस क्लास में हमने मोशन इन प्लेन में दो तीन बातें सीख ली है कि हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट के भी दो कंपोनेंट होते हैं, उसी तरह से एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस एक अलोंग वाई एक्सिस, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो। अगर इसी तरह से वाई जेड प्लेन में होगा तो वाई के अलोंग और जेड के अलोंग होगा, मतलब दो वेरिएबल चाहिए। तो इस तरह से हम मोशन इन ए प्लेन में जब भी बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन में हम सिर्फ एक वेरिएबल की बात कर रहे थे, यहाँ पर दो वेरिएबल की बात होगी, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हो, चाहे वो वेलोसिटी के टर्म्स में हो, चाहे वो एक्सेलरेशन के टर्म्स में हो। तो उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ गया होगा और आपको पसंद आया होगा। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट, पक्का इसे सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे जो वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और फिर से एक बार आपका आभार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, गॉड ब्लेस यू।